अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ डॉक्टर डॉलूद इमरान टुडे वी विल डिस्कस हेयर द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक क्यूमेन और नटमग सीड्स एंड फेनल फ्लावर आज हम बात करेंगे कि कलवंजी जो है वो उसके क्या फ़वाद हैं तिब्बी नज़र से अब कलवंजी जो है एक्चुअली क्या है इट्स अ ब्लैक क्यूमेन विट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट डेट कैन ग्रो एट टू थर्टी फाइव इंच दैट कॉन्टेंट स्मॉल ब्लैक सीड्स कलवंजी जो है ये एक पौधा है जो कि बहुत छोटे छोटे इसमें काले रंग के दाने सीड्स की तरह बनते हैं जिसमें कुदरत ने बहुत ज़्यादा शफा रखी है मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में काफ़ी बता चुकी हूँ कि जो कुदरत है उसकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा शफा है इसी तरह कलवंजी में तीन अहम फ़ायदे जो आप इस्तेमाल करके देखें आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई इसके बेनिफिट्स से बहुत ज़्यादा हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या फायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी सबसे पहला जो फ़ायदा है वो मेदे का अल्सर है आजकल जो है तकरीबन हर पाँचवा या छठा मरीज़ जो है वो मैदे के मसाइल का उनको सामना है क्योंकि हमारी खुराक पहले की तरह देसी और मैारी नहीं है खालिस नहीं है इसलिए जो है अगर आप अपनी ख़ुराक में कलवंजी को ऐड करेंगे तो आप उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखेंगे मैदे के हवाले से कि तजाबियत के हवाले से और ख़ुराक हज़म होने के हवाले से अब ये कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ उसके अलावा जो दूसरा अहम फ़ायदा है वो मोटापे में कमी है जो लोग मोटे हैं और चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए उनको चाहिए कि वो कलवंजी को डेली बेसिस में अपनी ख़ुराक में में ऐड करें ताकि जो है वो उनका वज़न कम हो सके अगर वो साथ वर्जिश भी करेंगे और ख़ुराक में कंट्रोल भी करेंगे और साथ कलवंजी का इस्तेमाल भी करेंगे तो उनका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा उसके अलावा जो तीसरा अहम फ़ायदा है वो कोलेस्ट्रॉल की कमी है जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं अगर वो कलवंजी को डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो वो भी उनके फ़वाद अपनी लैब्स करवा के और उसमें वो देख सकते हैं क्योंकि ये एक हर्बल मेडिसन भी है उसके अलावा भी कलवंजी के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं दिल के अमराज में उसके अलावा हमारी कुत मुदाफ़ियत को ये बहुत अच्छा करती है हमारे ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल रखती है जो शुगर के मरीज़ हैं डायबिटीज़ मिलाइटस, उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके अलावा जो है हमारी बॉडी में अगर कहीं पे इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन है उसको ये कम करती है अब कलवंजी को आपने इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जो डोजेज है वो वन टू थ्री ग्राम इन ट्वेंटी फ़ोर आवर्स हैं यानी कि अगर वन टू थ्री ग्राम इसका पाउडर यूज़ करें या थ्री टू फाइव एम इसका ऑयल यूज़ करें डेली बेसिस पे तो इसका अफेक्ट फिफ्टीन डेज टू वन मंथ हम लोग ख़ुद आप नोट करेंगे जो पेशेंट्स हैं अब उसको लेने का तरीका यह है कि दो से चार जो हैं इसके बीज आप जैसे फक्की की सूरत में आप डायरेक्ट पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका एक और लेने का आसान तरीका यह है कि आठ से दस जो इसके सीड्स हैं वो आप पानी में डाल के रात को कवर करके रख दें और सुबह जो है बीज को ज़ाया कर दें और वो जो उसका पानी बनेगा उसको आप पी लें इसका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट इसका बिटर होता है तीखा टेस्ट होता है इसलिए अगर आप चाहें तो इसको शहद के साथ बीस शहद के चम्मच में इसके दो दाने दो से चार दाने सुबह और दो से चार दाने शाम को आप आराम से शहद के साथ या पानी की फक्की के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं याद रखें कि कलवंजी का भूखे पेट लेने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसलिए अगर आठ से दस सीट जैसे कि मैंने बताया कि आप उसे भगो के रख दें और सुबह के टाइम में आप उन बीजों को ज़ाया कर दें और उसके पानी को आप पी लें और आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें तो इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं स्पेशली मेदे के अल्सर के लिए वजन कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और भी इसके बेश फ़ायदे हैं जैसे कि मैंने आपको बताए हैं इसमें खुराक में कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें साथ में कलवंजी यूज़ करें वर्जिश करें खुश रहें तो इन जो है आप सेहतमंद रहेंगे स्टे सेफ़ स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ